तमाम जानकारियों के लिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, 31 मार्च तक जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। 28 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन भी हो सकता है। मोतिहारी के 25 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा की वजह से देरी हुई और फिर से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में जो बोर्ड है वो जुटा हुआ है। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर मैट्रिक की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 31 मार्च तक जारी हो सकता है। और पटना से हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए पिछले साल का रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है, 31 मार्च तक रिजल्ट जारी हो सकता है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? रजनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रजनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 28 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन हो सकता है। मोतिहारी के 25 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा की वजह से थोड़ी देर हुई और फिर से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की यहां पर तैयारी हो रही है। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। मोतिहारी के 25 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा की वजह से रिजल्ट को जारी करने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में बोर्ड जो है वो जुटा हुआ है। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा दी थी। और पटना से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए पिछले साल का जो रिकॉर्ड था उसको एक बार फिर से तोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है। 31 मार्च तक रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है, आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि मोतिहारी में 24 मार्च को पुनर्परीक्षा खत्म होने के बोर्ड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और बोर्ड में तैयारी तेज हो गई है। तो निश्चित रूप से ये संभावना जताई गई है कि इस महीने के लास्ट यानी 31 मार्च तक हर हाल में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसको लेकर जो पुनर्परीक्षा है उसका मूल्यांकन कार्य जो 27 मार्च तक खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद 28 तारीख से टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। टॉपर्स को 27 तारीख को ही फोन कॉल किए जाएंगे कि आप बिहार बोर्ड आइए फिजिकली और वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मिल रही है। और 31 मार्च को इसलिए भी जारी किया जाएगा क्योंकि पिछले साल 5 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है, यानी खुद बिहार बोर्ड जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। जिस तरह से इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ था उसी प्रकार से मैट्रिक का रिजल्ट जाएगा। तो इंतजार करना बेहद जरूरी है क्योंकि 28 तारीख से जो वेरिफिकेशन है वो के बाद सीधे रिजल्ट जारी होगा। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी।